जिनको जिनको लगता है कि बकवास है, बकवास ही तो है सर, बकवास ही किसी को समझ में आ गई तो उसका जीवन बदल गया। यहां मंदिरों में मस्जिदों में चल तो रही है, समझ में आ रही किसी को? किसी का ईमान खतरे में है, किसी का धर्म खतरे में है, किसी की जाति खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। बड़ी मजेदार बात, जिस देश को 200 साल तक अंग्रेजों ने पीटा और बुरी तरह पीटा, पटक पटक के पीटा, बाल नोच नोच के पीटा, भट्टी में फेंक दिया, आज उस देश में देश खतरे में नहीं है, आज उस देश में जाति खतरे में है, आज उस देश में मुसलमान खतरे में है, आज उस देश में हिंदू खतरे में है। ऐसे ही 18वीं शताब्दी में सब खतरे में था। अंग्रेजों ने कहा तुम लोग तो खतरे में हो यार, हम राजा बनेंगे और सबको बचाएंगे। सब जाके अंग्रेजों के पीछे खड़े हो गए, किसी की लुंगी खींच ली, किसी की धोती खींच ली, किसी का कुर्ता फाट डाला, तब चिल्लाने लगे सब। कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सब चिल्लाने लगे, अरे अरे भैया 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 हमको भी मारा, भाईजान हमको भी मारा, चचा हमको भी मारा। तो सब गले मिले एक दूसरे को, रोए। 1857 का विद्रोह हुआ।